गोली हमारी नहीं होगी, लेकिन उसके बाद हम गोलियों की गिनती भी नहीं करेंगे। इतनी बड़ी विचारधारा रखने वाले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी आज हमारे बीच नहीं रहे। तो क्या ये साजिश है या हादसा? तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। 8 दिसंबर को हुए इस हादसे के तुरंत बाद वायुसेना ने अपने स्तर पर जांच के आदेश भी दिए हैं। इस हादसे में जनरल रावत की पत्नी और अन्य 11 आर्मी ऑफिसर्स की भी मौत हुई है। इस बीच सेना के ही एक पूर्व ब्रिगेडियर ने इस हादसे को लेकर किसी साजिश का अंदेशा जताया है। तो क्या इतना बड़ा हादसा किसी की साजिश है या हादसा? और अगर साजिश है तो किस बेसिस पर इसको साजिश कहा जा रहा है? चलिए बताते हैं। पूर्व ब्रिगेडियर सुधीर सावंत ने शक जताया है कि ये हादसा नहीं बल्कि साजिश हो सकती है, क्योंकि वायुसेना के जिस MI-17V5 हेलीकॉप्टर में बिपिन रावत समेत सभी अन्य लोग सवार थे, वो चौपर कुन्नूर के काटेरी इलाके में क्रैश हुआ था। ये इलाका दुर्गम होने के साथ साथ घने पेड़ों से भी घिरा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व ब्रिगेडियर का कहना है कि ये इलाका LTTE का है। इस हादसे के पीछे LTTE के स्लीपर सेल का हाथ हो सकता है। पूर्व ब्रिगेडियर सुधीर सावंत ने घटना की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को कराने की मांग भी की है। हालांकि इस हादसे के पीछे मौसम को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि घने जंगल, पहाड़ी इलाका और लो विजिबिलिटी की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। आशंका जताई जा रही है कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से हो सकता है कि हेलीकॉप्टर को कम ऊंचाई पर उड़ान भरनी पड़ी थी। नीचे घना जंगल था, शायद उस वक्त हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई होगी। वहीं हेलीकॉप्टर से एक ब्लैक बॉक्स भी मिला है। इस ब्लैक बॉक्स से उम्मीद लगाई जा रही है कि जब हेलीकॉप्टर के ब्लैक बॉक्स की जांच की जाएगी तब हादसे की वजहों का खुलासा हो सकता है। ये भी पता चल सकेगा कि क्या हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी खराबी आई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये ब्लैक बॉक्स है क्या जिससे सच सामने आ सकता है? ब्लैक बॉक्स एक हेलीकॉप्टर का सबसे जरूरी पार्ट होता है, जिसमें हेलीकॉप्टर की हर एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है, जिसे फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर भी कहते हैं। इसे सेफ्टी पर्पस से हेलीकॉप्टर के लास्ट के हिस्से में रखा जाता है। ये स्ट्रॉन्ग टाइटेनियम का बना होता है। इसके बाद भी उसे टाइटेनियम के ही बॉक्स में बंद करके रखते हैं, ताकि किसी भी दुर्घटना के वक्त ये टूटे नहीं, ना कोई नुकसान हो। देश में हर कोई इस क्रैश को लेकर इसलिए शॉक्ड है क्योंकि देश के दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले बिपिन रावत जी की यूं हुई मौत ने अपने पीछे कई सवाल छोड़ दिए हैं। हालांकि वायुसेना की तरफ से किसी भी तरह की साजिश को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी गई है। तो आखिर इस हादसे की असली वजह क्या थी? क्या सच में इसके पीछे LTTE का हाथ है? इसका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही मिलेगा, लेकिन ये बहुत दुखद है। ग्लोबल नाउ बिपिन रावत जी, उनकी धर्मपत्नी और बाकी के 11 आर्मी ऑफिसर्स को श्रद्धांजलि अर्पित करता है।